सर, आप अपनी बात, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि काफिर जो होता है वो गैर मुस्लिम नहीं होता है, आपने पिछले वीडियो में कहा था, और मैंने अभी सिद्ध कर दिया काफिर गैर मुस्लिम होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉलेजफुल है। जो लोग कुरान में लिखी आयतों का गलत मतलब निकाल कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए ताकि उनको कुरान में लिखी हुई आयतों का सही मतलब पता चल सके। कुरान में कौन सी आयत किसके लिए लिखी है, किस टाइम के लोगों के बारे में लिखी है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में एक ऐसा शख्स है जो कुरान की कुछ आयतों को लेकर मुफ्ती यसीन नदीम अल वाजदी से बहस करता है, और ये मुफ्ती उस शख्स की कैसे बोलती बंद कर देते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर से देखना चाहिए जो कुरान और इस्लाम के बारे में सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन देकर नफरतें फैलाते हैं, और इन्हीं घटिया लोगों की वजह से लोग इस्लाम और कुरान को गलत समझते हैं, जबकि सभी को पता है कि हमारा इस्लाम मज़हब कितना खूबसूरत है जो सिर्फ अमन का पैगाम देता है। लेकिन इन जैसे लोग ही कुरान में सिर्फ वही ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे इस देश की अमन और शांति खराब हो सके। तो इस वीडियो को उन लोगों को जरूर से देखना चाहिए जो कुरान को बिना समझे ही नफरतें फैलाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो सर, आप अपनी बात, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि काफिर जो होता है वो गैर मुस्लिम नहीं होता है, आपने पिछले वीडियो में कहा था, और मैंने अभी सिद्ध कर दिया काफिर गैर मुस्लिम होता है। आपकी पिछली वीडियो थी, मैंने कहा था काफिर गैर मुस्लिम नहीं होता है, और आज मैं काफिर गैर मुस्लिम होता है और मुशरिक भी गैर मुस्लिम होता है, और उसका कत्ल करने का कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को और काफिर को कत्ल करना है? बोलना ना, हर मुशरिक और काफिर को कत्ल करना है, हर मुशरिक को, मार मुशरिक शिर्क करने वाले को तो सबसे बड़ा जुर्म बताया गया कि तो सजा माफी नहीं है। तो इसको उसमें लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। तो किस मुशरिक को नहीं कत्ल करोगे आप? सिर्फ उनके लिए दिया जाता है, यहूदी और ईसाइयों के लिए। हर मुशरिक, आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। बिल्कुल समझा नहीं आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। सर आप तो जब छोड़ोगे ना, जब वो क्या कहते हैं इस्लाम कबूल कर लेगा, ये तो साफ साफ लिखा हुआ इसके अंदर। भाई मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि हर मुशरिक को कत्ल किया जाए, कौन सी आयत में लिखा हुआ है? हर मुशरिक को कत्ल किया जाए, हर मुशरिक को कत्ल किया जाए, नहीं क्या कॉन्टेस्ट है आपको? मैं तो अभी बताओ क्या कॉन्टेस्ट है आप? भाई आप ये कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो, मुझे कॉन्टेक्स्ट के साथ ये बताइए कि वाकई क्या ये हुक्म है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो? कौन से काफिरों को कत्ल करने के लिए कहा गया? कोई से भी, मुझे क्या पता, आप कह रहे हैं ना, आपका दावा है आपका दावा है ना, नहीं काफिरों में भी आपका दावा है ना, भाई आपका दावा है, आपका ऑब्जेक्शन है, तो आप साबित तो करो, या फिर आएगा कहकर निकल लोगे। तो सूरह 5 में जो जिन काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला, किस काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला? वो मुशरिकीन जो मक्का के अंदर थे जिनके साथ पीस ट्रीटी थी, और पीस ट्रीटी खत्म हो गई थी सन 8 हिजरी में। Exactly. तो वो तो सर सूरह काफिरों को भी ऑप्शन दिया गया था, सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 6 देख लीजिएगा, उनको भी ऑप्शन दिया गया था कि अगर तुम सुलह करने की ऑफर करो तो हम सुलह के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से दहशतगर्दी करोगे तो हम तुम्हें वलीमे की दावत तो खिलाएंगे नहीं, फिर जाहिर तुम्हें मारेंगे। तो सर वो तो वही तो बता रहा हूँ, सूरह जो काफिरून होगा वो तो रद्द हो गया था ना आपके आयते, उसके बाद तो सारे मारकाट के आयते हैं। तो काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो, उसके बाद जिसने भी सर कत्ल कर दिए गए थे, बिल्कुल कत्ल कर दिए गए थे, चूंकि ट्रीटी उन्होंने तोड़ी थी, उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी। उसके बाद या तो तुम यहाँ पे रह लो तो जजिया दोगे, या तुम मिलोगे तो कत्ल किए जाओगे, या तुम सुलह की ऑफर करोगे तो सुलह दी जाएगी, ये क्यों बोल रहे हैं सर? या तो तुम रहना, वो तो सुलह की ऑफर जो थी वो तो सर रद्द हो गई ना, आप कहते ऐसे कैसे रद्द हो गई? अच्छा पहले वाली ट्रीटी के बाद उनको दोबारा ऑफर दी गई है, कि अगर तुम सुलह के साथ हमारे साथ रहने चाहो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन और कुरान ने कहा है कि सुलह करना ज्यादा बेहतर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। जजिया की बात नहीं है, जजिया दूसरी आयत में है, यहाँ पर आपको ये हुक्म दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो मुशरिकीन है उनको आप ऑफर दें, या तो वो अमन के साथ रह लें, अगर अमन के साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, जाहिर सी बात है उनके साथ लड़ाई होगी जब वो बदमनी करेंगे, और इस्लामिक स्टेट है। सूरह अनफाल पढ़ लो,
ठीक है, आठ सूरह आठ है ये, और आयत 54, 55, 57, 58 59 और 60 तक पढ़ लो आप, और 63 तक पढ़ लो आप, पूरा पढ़ लो, पूरा चैप्टर ही पढ़ लो आप। आयत दोबारा बोलिए, 50 सूरह आठ 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब देखिए सूरा 56, आप आयत 56 इंक्लूड की कि नहीं की? 56 तो आगे आ गया ना, 63 के बाद, 64 के बाद आ गया सर, वो क्यों पढ़ रहे हो आप? 55 पढ़ लो फिर। नहीं, आपने अभी मुझे जो आयत नंबर बोले हैं, आयत नंबर जो बोले हैं उसमें 66 पहुंच गए, तो आप 65 भी पढ़ो फिर उससे पहले वाली। नहीं, मैं वहीं से शुरू करूंगा ना, आपने जो नंबर मुझे बोले हैं वो कहां से शुरू किए? बोल रहा हूं 54, 55, 56, 57, 58 आ गया ना, ठीक है 54, 55। अब आयत नंबर 55 सुनिए, अब 55 और 56 से सुना लो, 55 सुना लो, ध्यान से सुनाओ आप। वो लोग के जिन्होंने तुम्हारे साथ मुआहिदा किया, पीस ट्रीटी की, और उसके बाद उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ दिया, अपना मुआहिदा तोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बारे में आगे उनका पूरा हुक्म है, जिन्होंने अपना तुम्हारे साथ मुआहिदा तोड़ा है कि उनके साथ जंग किस तरीके से करनी है। कि जब पीस ट्रीटी खत्म हो गई और वो मुल्क के अंदर बदमनी फैला रहे हैं, तो हाँ अपने मुस्लिम स्टेट को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे ही, या खामोश बैठेंगे? भाई दहशत गर्दों का कुछ इलाज होगा कि नहीं होगा? आप बोलते रहो, आगे बोलते रहो आप। हो गया जवाब? हो गया जवाब? क्या तो हो गया जवाब? आगे पढ़ो ना सर, क्या जवाब हो गया? आगे पढ़ो ना, बताइए आप किस जगह पढ़ूं? पूरी सूरह है, 60 है आगे, ये देखो ना सर, पूरा लिखा हुआ है, मोमिनीन वगैरह क्या लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है सर, पढ़ो ना आगे। आप तो इतना सा पढ़ के चुप हो गए सर, इसलिए कि वहां से स्टोरी बिगिन हो रही है कि जिन लोगों के बारे में आगे, जिन लोगों के बारे में क्या बताया गया, काफिर कौन है उनकी, उन सर पढ़ो ना, मैंने आपको आयतें बता दी सारी, बताइए किस जगह बताया गया, सारी बताई थी आपको, सारी तो नहीं है कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। सर आपने 54, 55 पढ़ ली, उसके बाद कहानी खत्म, आपने 56 छोड़ दी, 57 छोड़ दी, 58 छोड़ दी, 59 छोड़ दी, 60 छोड़ दी, मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ, 65 छोड़ दी, मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ इन सारी आयतों का जो आप मुझे बता रहे हैं, आपको मैं तर्जुमा ही बताता हूँ, रुकिए एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। हे ये देखो आप सूरह 9 पढ़ लो, आयत 73 पढ़ लो, एक जगह रहिए, मुनाफिकों से जबान से लड़ो, एक जगह रहिए, अलग अलग पढ़ लो पहले आप, चलो सर वो पढ़ लो आप, सूरह 9 पढ़ लेना, 73 उसमें लिखा है कत्ल के बारे में, सूरह तौबा 9 पढ़ लेना आप, फिर 79, 80, 81, 82, 83, 84 ये पढ़ लो आप। सुनिए आयत नंबर 54 से, आपने कहा ना 54 से चलते हैं, 55 से, तो उसमें यह है कि यकीन जानो कि अल्लाह के नजदीक जमीन पर चलने वाले जानदारों में बदतरीन लोग वो हैं जिन्होंने कुफर अपना लिया है, जिसकी वजह से वो आराम के भक्त हो गए, बुद्ध के भक्त हो गए। अब आगे तो सुन लीजिए सर, मुझे तो आप सो आयतों का हवाला दे रहे और यहाँ एक आयत पे अटक गए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग वो हैं, उनको डिफाइन कर दिया, ये लोग वो हैं जिन्होंने तुमसे मुआहिदा किया, उसके बावजूद ये हर मरतबा अपना मुआहिदा तोड़ देते हैं और डरा नहीं करते। आपने तो हमसे कोई मुआहिदा नहीं किया था, बात हो रही है या किया था? आगे बोलिए, ठीक है आगे बोलिए। काफिर नहीं मतलब हम, अब जो काफिरों की पूरी एक ग्रुप है, उसके अंदर जो ये ग्रुप है जिनके साथ मुआहिदा हुआ है, उसके अहकाम इस सूरत के अंदर बयान किए जा रहे हैं। जो अल्लाह को ना माने, ला इलाहा इल्लल्लाह ना करे, वो काफिर है, अभी काफिर नहीं है, इसलिए कि आपने ये कहा कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वो साबित करो कि कहां लिखा हुआ है कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। अरे सर मैं कह रहा हूँ काफिर है कि नहीं है हम, मैं कब इनकार कर रहा हूँ भैया? काफिर तो हम भी आपके एतबार से है ना, हम भी आपके एतबार से हैं, हम भी आपके एतबार से काफिर हैं, क्योंकि हम आपके मजहब को नहीं मानते। तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर लें? तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर लें? क्या हम तो नहीं कर रहे आपको कत्ल? वो नहीं, वो तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप अपनी जगह, लेकिन मेरा यहाँ आपने जब मैंने वेद का हवाला दिया, आपने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट ना करें। अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने खुद ही डिफाइन कर दिया कि कौन से वाले काफिर मुराद हैं जिनसे जंग करनी है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम काफिर राम के भक्त, भाई राम के भक्तों से कोई मुआहिदा हुआ था? आपसे तो मुआहिदा नहीं हुआ ना, मुआहिदा किससे हुआ? चलो
मुआहिदा मुशरिकीन मक्का के मुशरिकीन से हुआ, ठीक है। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फइम्मा तस्कफन्नहुम फिल हर्बी फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम लअल्लहुम यज़्ज़करून, लिहाजा अगर कभी ये लोग जंग में तुम्हारे हाथ लग जाएं, कौन लोग जिनसे मुआहिदा हुआ था और बार बार मुआहिदा तोड़ रहे हैं, तुम्हारे हाथ लग जाएं तो उनको सामान इबरत बनाकर उन लोगों को भी तितर बितर कर डालो जो उनके पीछे हैं, ताकि वो याद रखें, यानी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन सब लोगों का ये इलाज होना चाहिए। अच्छा وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً, आयत नंबर 58 पे आ गया मैं, और अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो, यानी तुमने मुआहिदा कर लिया और तुम्हें अंदेशा है कि ये मुआहिदा तोड़ देंगे, तो तुम वो मुआहिदा उनकी तरफ से उनकी तरफ साफ सीधे तरीके से फेंक दो, यानी अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चीट करेंगे तो तुम पहले मुआहिदा तोड़ो ऑफिशियली, उसके बाद तुम एक्शन लो, ऐसा नहीं कि तुम रात की तारीकी में जाकर हमला कर दो। याद रखो अल्लाह बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कह दिया तुम मुआहिदा ऑफिशियली तो ऐसे नहीं कि मुआहिदा तुम्हें तुमने किया हुआ और जाके तुमने हमला कर दिया, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। अब मैंने 8 आयतों तो पढ़ दी, इसमें तो कुछ मिला नहीं आपके हिसाब से। सर यही तो है, बता रहा हूँ काफिर को आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो, ये तो सूरह मुआहिदा तो तोड़ दिया आप कह रहे हो काफिर को। आपको मैंने 6 आयतों का तर्जुमा करके सुना दिया, उसमें मुझे बताओ कि हिंदुस्तान के कुफार का कहां तस्किरा है, मुझे बताओ ना। आप ये कहिए ना पूरे विश्व के कुफार का कांसेस किराए, कौन सी आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि पूरे विश्व के कुफार को कतल करना, मुझे वो आयत बताओ ना भाई। आप मुझे वो आयत बताओ कि आप फंसो मत भागो मत, आप ये बताइए कि पूरे विश्व के कुफार को कतल करने का हुक्म कुरान में कहां लिखा, मुझे वो बताओ बस। सर काफिर आप काफिर सबको मानते नहीं मानते? अरे मुझे मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ उसका तो जवाब दीजिए। अरे हुजूर मेरे हुजूर मुझे पूरे विश्व के काफिरों को मानने के लिए आपके लंग नहीं हो, वही तो आपका इल्जाम है ना, वही तो आपका इल्जाम है ना। आप अभी तो कह रहे हो, मैंने कहा काफिरों के कत्ल के लिए बोला सर। कौन से काफिर? वो जिनसे मुआहिदा किया हुआ है, उसी आयत में आयत 56 के अंदर उसकी वजाहत आ गई ना। हो तो गई आपकी, आपके हदीसे में दिखा देता हूँ, आपको हदीसे बता देता हूँ, सब कुछ बता दूँ, सारे कॉन्टेक्ट हैं उसके अंदर कि भी कैसे कत्ल किया जाए, किसको किया जाए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मारा जाए। बताइए ना कहाँ है, हदीसों में लिखा हुआ है भाई। मैंने आपसे 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 पूछा, आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया, सूरह अनफाल का मैंने तर्जुमा पूरे ऑडियंस के सामने पढ़कर सुना दिया, इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आपके हवाले ही गलत है, आपके हवाले ही गलत है। लाइट चली गई सर, हवाले तो बहुत है मेरे पास सर, मेरे पास हदीसों के हवाले हैं। आपने अभी तक के जितने हवाले दिए हैं उसमें आप अपना अपना पॉइंट साबित नहीं कर पाए हैं कि तमाम कुफार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में दिया गया है। तो ये वीडियो सच में इंटरेस्टिंग थी, और ये शख्स खुद को बार बार काफिर बता रहा था कि हमारे ही बारे में कुरान में जिक्र हुआ है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कुरान की इन आयतों का भी तर्जुमा करके बता दिया कि उन काफिरों की बात की जा रही है जिन्होंने मुआहिदा तोड़ा था, ये उस टाइम के काफिरों की बात हो रही है, लेकिन ये शख्स जबरदस्ती अपनी बात मनवाने में लगा था। ऐसे लोगों पर तो हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है, ये सच जानकर भी सच मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को हक समझने की तौफीक अता फरमाए। बार बार ये लोग कुरान की इन्हीं आयतों को नफरत फैलाने के लिए यूज करते हैं, अगर ये पूरा कुरान समझ के पढ़ ले तो सच में इनके दिलों में कुरान और इस्लाम और हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर जाए। और ये शख्स खुद को काफिर बता रहा था, हाँ तो ये काफिर ही है, जो कुफ्र या इनकार करता है उसे काफिर ही कहते हैं, यानी जो अल्लाह के वजूद के होने का इनकार करता है, जो कुरान को मानने से इनकार करता है, जो इस्लाम मजहब से इनकार करता है, वो काफिर है। और हम तो सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सभी को हिदायत दे, आमीन। तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर से शेयर कर दे जो इस्लाम और कुरान को गलत समझते हैं, और जो लोग इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं वो एक बार कुरान को अपनी ही भाषा में जरूर पढ़ें, कुरान हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो एक बार आप कुरान जरूर पढ़ें। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।